मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। है जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। देखिए, ये मैं शेर जो आपको सुना रहा हूं ह्यूस्टन में, ये शेर मैं लाल किले में भी पढ़ता हूं, और वजीर आजम बैठे हुए होते हैं और उनके सामने मैं ये शेर पढ़ता हूं। मैं इसीलिए शायद मैं हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा ये कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हां, यह तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमरीका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वह अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं, क्या हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? उसने जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।